यार मनाली जाने में तो बहुत खर्चा होता है, ये सोच के अभी तो मनाली ट्रिप नहीं कर पाए तो मैं किस दिन काम आऊंगी। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे आप मनाली का ट्रिप मिनिमम से मिनिमम बजट में कर सकते हो, क्योंकि मैं तो होके आई हूँ। कौन से एरिया में रहने से आपको सबसे सस्ता अकोमोडेशन मिलेगा, कैसे आप मिनिमम से 300-400 रुपए बजट में साइट सीइंग कर पाओगे मनाली में, ये सारे डिटेल्स और कुछ स्पेशल टिप्स भी आप लोगों के लिए इस वीडियो में डेफिनेटली रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देश के किसी भी प्रांत से जा रहे हो या तो दिल्ली पहुंच जाना या चंडीगढ़ पहुंच जाना, वहां से आपको बस मिल जाएगा मनाली के लिए डायरेक्टली। मनाली में अकोमोडेशन आपको लेना है ओल्ड मनाली में, क्योंकि ओल्ड मनाली में सबसे सस्ते अकोमोडेशन आपको मिल जाएंगे। दिसंबर में जाना, दिसंबर में अकोमोडेशन बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। समर में बहुत भीड़ रहता है तो समर में तो अकोमोडेशन का रेट बहुत हाई रहता है, और जनवरी में स्नोफॉल देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। सो दिसंबर इज द परफेक्ट टाइम अगर आपको बजट में जाना है। अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो होटल, और अगर अकेले जा रहे हो तो हॉस्टल के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। डे वन पे आप सुबह सुबह पहुंच जाओगे मनाली। नाउ पहुंच के आप होटल में चेक इन कर लेना, चेक इन करके थोड़ा सा आराम कर लेना। आराम करने के बाद दोपहर को आप लंच के टाइम में निकल पड़ना और चले जाना आप मॉल रोड में। मॉल रोड में लंच आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। वहां पे आप चले जाना हिमाचल टूरिज्म के ऑफिस में। जी हाँ, और हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस आपको मॉल रोड पे ही मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको पैकेज बुक करना है। बहुत सारे पैकेज वहां पे अवेलेबल है नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए, पर मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला पैकेज। सारे पैकेजेस के लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लोकेशन फोन नंबर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आपको ये वाला पैकेज बुक करना है, और अपना टिकट लेने के बाद आप सीधे चले आना ओल्ड मनाली में। फिर से ओल्ड मनाली में आप होटल से पैदल ही चले जाना हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल देखने के बाद थोड़ा ओल्ड मनाली घूम लेना। वहां पे आप लोकल बेकरीज में जा सकते हो। बेकरीज में अगर जाओगे तो कैरेट केक बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही यम होता है। और उसके बाद होटल में आके रात को फिर से रेस्ट कर लो। नेक्स्ट दिन तो आपका ये वाला जो साइट सीन मैंने आपको बताया, ये वाले साइट सीन में ही पूरा दिन चला जाएगा। रात को लौटते समय नेक्स्ट दिन के साइट सीन का टिकट डेफिनेटली ले लेना हिमाचल टूरिज्म के ही ऑफिस से। और नेक्स्ट दिन में आप जाने वाले हो मनाली से, आप जाओगे नागर फोर्ट, देन सोलांग वैली, एंड वहां से आप बैक करोगे, और इसका भी कॉस्टिंग आपको सिर्फ 300 रुपीज बैठेगा। वापस आने के बाद मनाली मॉल रोड पे आप बिल्कुल मिस मत करना आपके लोकल गुलाब जामुन, जो बिल्कुल इतने इतने से होते हैं, यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, इसको आपको मिस नहीं करना है। मॉल रोड पे छोले भटूरे मिस मत करना। इसके बाद नेक्स्ट दिन पे आप मनाली से जा सकते हो कुल्लू वैली, मणिकरण गुरुद्वारा, और इस ट्रिप का खर्चा आपका पड़ेगा सिर्फ 400 रुपीज। नेक्स्ट दिन आपके लिए पर्सनल डे होगा। उस दिन पे आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो, अगर आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है, कुछ शॉपिंग करना है एटसेट्रा, क्योंकि शाम को आपकी बस है रिटर्न दिल्ली या चंडीगढ़ जाने के लिए। देख लिया ना, बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो क्यों वेट कर रहे हो, प्लान करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट ट्रिप के सजेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।